Okay, today we are going to discuss about chapter number 7 of class 10, syntax book board, which is matrices. That is your chapter 7 in the book. Let's start with the initial. What is matrices? मैट्रिक्स या मैट्रिसेस जो हमारे पास होते हैं वो एक तरीके का है इंफॉर्मेशन को बांधने का, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, मोस्टली जो हम कॉलम और रॉस की सूरत में कर रहे होते हैं, और इसका इस्तेमाल आगे जाकर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर होता है। अमूमन जो आमतौर से एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दी जाती है, या मुख्तलिफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे रॉज एंड कॉलम्स में डेटा अरेंज करने के बाद इस पर मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से मेरा मतलब है कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, या फिर इसके अलावा जो मजीद जो है इनवर्स के जो एप्लीकेशन ऑपरेशन आते हैं वो। देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम की मैट्रिक्स होती हैं। पहले ज़रा देख लीजिए कि मैट्रिक्स बनता कैसा है। स्क्वायर ब्रैकेट, कोई भी दो एलिमेंट 1 एंड 2। अब मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स मौजूद है। मैट्रिक्स में को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं मैट्रिक्स लिखते वक्त। अब इससे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, दो डिजिट्स मौजूद हैं, एक मेरे पास 1 है, एक मेरे पास 2 है। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, यानी कि मैट्रिक्स का साइज़ क्या है, मैट्रिक्स का साइज़ कैसे लिखते हैं, ये देखिए। मेरे पास इस वक्त यहाँ पे एक रॉ है, रॉ मेरे पास 1 है, और मेरे पास कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, एक कॉलम, दूसरा कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास क्या हो गया, R1 × C2, मीनिंग 1 रॉ 2 कॉलम्स। इस तरीके से इसका ऑर्डर लिखा जाता है। 1/2 इसका साइज कहलाएगा, और 1/2 ही इसका ऑर्डर कहलाएगा। एक और मैट्रिक्स देखिए। अब ये मेरे पास जो मैट्रिक्स है इसमें पास 4 एलिमेंट्स हैं, 0, 4, 5, 6 एग्जाम्पल्स में मैं कोई से भी एलिमेंट्स ले सकता हूँ, कोई से भी डिजिट्स ले सकता हूँ। ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कहला रही है, क्योंकि एक स्क्वायर शेप के अंदर है। ये मेरे पास एक करीब करीब एक स्क्वायर बन जाता है। ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है। इस मैट्रिक्स को हम रॉ मैट्रिक्स भी कहते हैं, कॉलम और रॉ वाला रॉ मैट्रिक्स। और ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। बस स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। यहाँ पे मेरे पास इसका ऑर्डर, इसका साइज या इसका ऑर्डर क्या है, 1 रॉ, दूसरी रॉ 1 कॉलम, दूसरा कॉलम, यानी कि 2/2। 2/2 इसका साइज है, या 2/2 इसका ऑर्डर है, यानी कि मेरे पास 2 रॉज मौजूद हैं, 2 कॉलम्स मौजूद हैं। अब ज़रा एक और इसमें देखिए एग्जांपल। 1/2 के जो हमने ऊपर रॉ मैट्रिक्स बनाई थी, इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में आता हूँ कि ट्रांसपोज होता क्या है। ये मैट्रिक्स देखिए एक और, 5 - 1। फिर से मेरे पास 2 वैल्यूज़ गिवन हैं, 2 डिजिट्स गिवन हैं। अब ये जो मेरे पास 5 और 1 है, ये भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर क्या है, 1 रॉ, दूसरी रॉ और 1 कॉलम। इसका ऑर्डर है 2/1। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, 2/1। यहाँ पे मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, और इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये वाली मेरे पास रॉ मैट्रिक्स है, ये वाली मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल मैनर के अंदर मौजूद है तो रॉ मैट्रिक्स, वर्टिकल मैनर के अंदर मौजूद है तो कॉलम मैट्रिक्स हो गए, ठीक है जी।